अधिकार में गुणस्थान का वर्णन किया है। गुणस्थान मतलब मोहने कर्म के निमित्त से हुए जीव के परिणाम है। तो उस परिणामों को समझने के लिए मतलब उसका स्वरूप समझने के लिए यहाँ पर उसका लक्षण आदि गुणस्थानों का बताया है। तो पहले दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थान का स्वरूप अपन ने जाना, मतलब चौथे गुणस्थान का चल रहा है अभी। तीन गुणस्थानों का स्वरूप तो यहाँ बताया है, खाली अपन स्वरूप स्वरूप देख रहे हैं। पुनः इसका विस्तार से जो है वर्णन अन्य ग्रंथों में भी किया है और यहाँ पर भी अभी आगे कर रहे हैं। तो चौथे गुणस्थान में अपने देखा कि असंयम समय दृष्टि, तो तीन प्रकार के भाव बताए, औपशमिक, शायिक और शाउपशमिक। और सम्यक तो उस जीव को है, मतलब निश्चय समय को, यहाँ पर ये व्यवहार समय तो नहीं समझना। व्यवहार समय तो मतलब केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार समय तो कहा जाता है, तो उतना ही यहाँ चौथे गुण स्थान में ऐसा नहीं। यहाँ पर उस जीव को क्या हुआ है, सात प्रकृतियों के उपशम होने पर द्रव्य से भिन्न अपने निज आत्मा का श्रद्धान हुआ है। निज आत्मा का श्रद्धान निज आत्मा के अनुभव पूर्वक ही होता है, बिना अनुभव के श्रद्धान सच्चा श्रद्धान नहीं है। तो वो श्रद्धान इस जीव को पूरा हुआ है कि मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति मतलब इसका भाव भाषण, उस वाच्यभूत वस्तु का स्पर्शन इस जीव को हुआ है, तभी चौथा गुणस्थान प्राप्त होता है। तो उस जीव को उस निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, लेकिन यहाँ पर दूसरे कषाय का उदय होने से संयम भाव नहीं, मतलब कोई भी व्रत आदि धारण करने के भाव नहीं है, नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये असंयम समय दृष्टि है। तो उस जीव का श्रद्धान किस प्रकार होता है उसका यहाँ पर विशेष और आगे बता रहे हैं। 27 नंबर की गाथा है, सम्मा इति जीवो वैठं पवयनं तु सद्दहति, सद्दहर्य सद्भावं अजानमानो भगवान ने कहा है और आचार्य परंपरा से आचार्य के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, ऐसे प्रवचन का श्रद्धान करता है। प्रवचन का अर्थ किया था अपने कल, आप्त आगम और पदार्थ प्रवचन, इन तीनों का भी वह श्रद्धान करता है। और अजान मानो गुरु नियोगा असभ भावम सद्धहरि, वह सम्यक दृष्टि है लेकिन अज्ञान के कारण, मतलब स्वयं अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब मिथ्या ज्ञानी नहीं लेना, यह अज्ञान मतलब अवदयिक अज्ञान है कि उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। तो इस अज्ञान के कारण, जैसे अभी गुणस्थान के बारे में ज्ञान नहीं है, डिटेल सब जानता नहीं है, और किसी गुरु ने आकर के कुछ उपदेश दिया बताया
किया ऐसा ऐसा है, जैसे दूसरे गुणस्थान में मरण किया तो एक इंद्रिय में पैदा होता है, ऐसे किसी गुरु ने कहा और फिर दूसरे किसी ने आकर के दिखाया दूसरे गुरु ने, तो उसको वो पहले अभी यहाँ पर ले लिया है कि उस अपने स्वयं का अज्ञान है और जो गुरु मिले थे उनका भी अज्ञान था, या गुरु ने जो बताया उसको समझने में इसकी गड़बड़ हो गई, कुछ तो वहां पर हुआ है। और इसने क्या किया, असत भावम सद्धति, असत भाव का मतलब जैसा नहीं है वैसे असत भाव का श्रद्धान करता है, फिर भी वह सम्यक दृष्टि है, उसके सम्यक तो में बाधा नहीं आती है, क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व के बारे में तो उसको श्रद्धान हुआ है पक्का, लेकिन विशेष ज्ञान न होने के कारण कुछ ऐसे असत भाव को भी मतलब आनंद देव श्रद्धान करता है, लेकिन उसके मन में भाव क्या है श्रद्धान करते हुए कि आनंद देव ने ऐसा बताया है इसलिए वो ऐसा मान रहा है उस गुरु के उपदेश से, ये अरहंत का है उपदेश है, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है, ऐसा श्रद्धान उसके है, लेकिन जो समझा है वो गलत समझा है, प्रयोजनभूत वस्तु के बारे में नहीं, प्रयोजनभूत या विशेष सात तत्वों के बारे में भी कोई विशेष जानकारी है तो उसके बारे में उसको क्या है अज्ञानता से वो असत भाव को ग्रहण करता है, तो वहां पर भी वो सम्यक दृष्टि होने में बाधा नहीं है, वो सम्यक दृष्टि है क्योंकि उसके अरहंत भगवान के प्रति वचनों के प्रति उसको श्रद्धा है, श्रद्धा रूप भाव है। अब फिर वो आगे उसको तो ऐसा ही ऐसा मान करके श्रद्धान करता है, लेकिन कब तक उसका सम्यक तो वो बना रहता है और कब वो मिथ्या दृष्टि होता है ये बता रहे आगे 28 नंबर की गाता है। सुत्तादोतम सम्मं दर्शिच्यन्तं जदाण सद्दहति, सोचे वह वै मिच्छा, सर्वज्ञ भगवान की ही ये वाणी है ऐसा समझ करके कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे जानकार व्यक्ति ने क्या किया उसको सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जंतम, सूत्र दिखा करके आचार्य गंधर्व भगवान ने कहा हुआ जो सूत्र है उस सूत्र से उसको सम्यक रीति से दिखाने पर भी जदा न सद्धति, वो यदि श्रद्धा नहीं करता है कि नहीं मैंने जो पहले ग्रहण किया वही सही है, ये सही नहीं है, अभी आज वर्तमान काल में तो बहुत चल रहा है कि किसी ने एक मान्यता बना ली है कि चौथे गुणस्थान में आत्मा अनुभव नहीं होता है, या और किसी ने और निश्चय समय तो नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि वो किसी गुरु के कहने से उसने स्वीकार कर ली है, और आप आगम भी उसको दिखाओ तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, या उसका दूसरा ही विपरीत अर्थ बताते हैं, तो उस समय से लेकर के जब तक वो नहीं दिखाया था और सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ऐसा समझ करके वो ग्रहण कर रहा था तब तक तो उसका सम्यक्त्व था, सम्यक्त्व में बाधा नहीं आई, लेकिन जब सूत्र दिखाने पर भी यदि वो श्रद्धा नहीं करता हटा ग्रह से पहला जो ग्रहण किया हुआ है वही सही है ऐसा यदि मानता है तो सोचे व तदोपहुदी मिच्छा इति हो भवि, उस समय से लेकर के वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर उसका विश्वास नहीं है, क्योंकि सूत्र है मूल आगम है तो उसको दिखाने पर भी वह नहीं मान रहा है, इसलिए उस काल से वह मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो इस प्रकार ये अंदर भीतर के अभिप्राय के अनुसार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व है वो बताया। अब आगे और बता रहे हैं कि
चतुर्थ गुण स्थान वरती जीव के असंयत विशेषण की अपेक्षा दृष्टि में रखकर उस असंयत पने का खुलासा कर रहा है। असंयत है मतलब क्या है वो बता रहे हैं। सब लोग अपने जो गुरु होते हैं तो अपनी परंपराएं होती है, उस परंपरा के जो शास्त्र हैं अपने को सब आगमी मानते हैं, तो वो अपने भी सूत्र दिखाते हैं। देखो हमारे आगम में ऐसा लिखा है तो क्या करना चाहिए इसको मानो। हमारे आगम मतलब आगम तो सबके एक ही है ना, आगम में कहाँ भेद है। नहीं सर, बहुत सारी परंपरा है, जैन में भी बहुत सारी परंपरा है। नहीं वो मुकुंद कुंद आचार्य है, अमृतचंद्र आचार्य है, समुद्रभद्र आचार्य, पूज्यपाद, ये तो मूल आचार्य सभी के है ना, और उनके ग्रंथ से दिखाया तो वो प्रमाण मानना चाहिए अभी इस वर्तमान काल में। और उसमें भी दो आचार्यों में जो अभी इसमें आया ना मतभेद पड़ते हैं दो आचार्यों में, तो उसमें वही अपने को लगा समझना है कि दो मत हैं इसमें से कौन सा सही है उसका डिस्कशन नहीं होता है, मतलब निर्णय नहीं हो पाता है, इसलिए अपन दोनों मानते हैं। लेकिन यदि वो कोई प्रामाणिक आचार्य बताएंगे तो उसका निर्णय हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा कोई है नहीं वर्तमान में कि जो उसका निर्णय कर सके। सूक्ष्म बातें ना, केवली गम्य बातें हैं, तो उसका निर्णय नहीं हो पाता है, इसलिए उसको दोनों मत को स्वीकार करना है उसे कहा है। लेकिन जिसका निर्णय हो सकता है और अपन तर्क से आगम से तर्क से फिर यदि सही बैठता है तो उसको मानना चाहिए सर्व प्रत्यक्ष से। यहाँ मतलब सूत्र दिखाना ऐसा कहा ना इसलिए। हाँ सूत्र दिखाना ऐसा कहा, मतलब अभी मैंने जैसे कल बात बताया आपको युक्ति निशासन की, तो पहले उसके पहले हम जब विशुद्ध ठाकुर महाराज जी के पास जाते थे तो वो नहीं मानते थे, स्वीकार नहीं करते थे जब तक तुम स्थान। लेकिन अब जब से उन्होंने वो देखा है या किया है तो तब से उन्होंने स्वीकार किया है समझो कि चौथे गुण स्थान में जो है निश्चय समय पर होता है, चौथे गुण स्थान में ये होता है ऐसा मानते हैं। भले ही मतलब ये हुआ लेकिन आंशिक रूप से वहाँ पर है ऐसा। वही आगम जैसे द्रव्य संग्रह हाँ। उसमें भी भरतादि के व्यवहार समय तो ऐसा लिखा हुँ। तो वो भी आगम है, युक्ति अनुशासन वो भी आगम। अब वो उसको व्यवहार समय तो अपेक्षा से कह सकते हैं उसको, क्योंकि ऊपर की अपेक्षा से अभिद्रत्नत्र की विवक्षा से वहाँ पर उसको कहा है, या अगली भूमिका में पिछला जो निश्चय वो भी व्यवहार हो जाता है उसके अपेक्षा से कहा हो, या व्यवहार समय तो साथ में है उसके, जैसे दोनों भी है ना समय को, निश्चय समय को एक अकेला नहीं रहता है, निश्चय व्यवहार दोनों साथ ही रहते हैं। अनेकान से ही समझना हाँ पड़ता है, क्योंकि चारित्र हो दर्शन हो या ज्ञान है, व्यवहार और निश्चय दोनों है साथ। अकेले व्यवहार समय तो निश्चय समय तो के साथ में जो है उसी को व्यवहार समय तो कहा है, यदि निश्चय समय तो के बिना है तो वो तो व्यवहार आभास ही कहा है उसको। पहले गुण स्थान में और उसके सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर रहे हैं उसको व्यवहार समय तो भी नहीं कहते ऐसे, वो व्यवहार आभास कहा जाता है। तो यहाँ पर चौथे गुण स्थान में असंयत बना कैसे है वो बता रहे हैं। 29 नंबर की गाथा है, नो इंद्रियेषु विरतो नो इंद्रियेषु विरतो नो जीवे थावरे तसे वापी नो जीवे थावरे तसे वापी जो सत्त हरि जिनोत्तम जो सत्त हरि जिनोत्तम सम्मा इति अविरतोसो सम्मा इति अविरतोसो नो इंद्रियेषु विरतो, जो इंद्रियों में विरत नहीं है मतलब पांच इंद्रियों के विषयों से विरत नहीं हुआ है, मतलब पांच इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, और नो जीवे थावरे तसेवापि, या स्थावर और त्रस जीव में विरत नहीं है मतलब त्रस जीव की हिंसा या स्थावर जीव की हिंसा से विरत नहीं हुआ है,
मतलब त्रिसर्व स्थावर जीवों की हिंसा भी उससे होती है, मतलब उसका त्याग नहीं किया है जिसने, मतलब इंद्रिय संयम और प्राणी संयम से दो प्रकार का संयम है, तो दोनों प्रकार का संयम उसके पास में नहीं है, तो उस इसलिए उसको असंयत संयम की अपेक्षा से उसको उस संयम का अभाव है, इसलिए उसको असंयत कहते हैं। लेकिन फिर भी जो जिनुत्तम सद्धहदि, भले संयम नहीं है लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसका वह श्रद्धान करता है, इसलिए सम्यक्त्व रह सकते हैं। श्रद्धान तो हुआ है कि ये करने योग्य है, संयम के प्रति भी उसकी अरुचि नहीं है, संयम के प्रति भी उसकी रुचि है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का यदि वह भक्त है या जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ मानता है उसको ये करना चाहिए, ये भीतर से उसको लगता है लेकिन वह कर नहीं पाता है, इसलिए केवल श्रद्धान करता है। यदि शक्य है तो करो और नहीं शक्य है तो कम से कम श्रद्धान तो करो, कभी ना कभी वो बात आएगी अपने जीवन में। और श्रद्धान भी नहीं करेंगे, हाँ ये क्या है, इसमें क्या रखा है, ये कुछ करने योग्य नहीं है, ये अपन कर नहीं सकते हैं, ऐसा श्रद्धान करेंगे तो कभी भी वो बात अपने से नहीं होगी। इसलिए जय सक्कई तम की रही और जय न सक्कई तम च सद्धहति, मतलब उसको श्रद्धान करना चाहिए, भले आज अपन मुनि नहीं हो सकते हैं, आज आदिका नहीं हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धान भी क्या रहना चाहिए, हाँ हमें बनना है, मतलब ये करने योग्य कार्य है, ये मोक्ष मार्ग है, इसके बिना अपने को आगे रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये अपने जीवन में करने योग्य कार्य है, इसका श्रद्धान करो तो एक दिन होगा। तो इस चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को भले ही वह चारित्र में नहीं है, संयम धारण नहीं किया है, लेकिन संयम के प्रति अनुराग उसको भी रहता है, तो जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा उसका श्रद्धान करता है। इसलिए समय दृष्टिकोण दो प्रकार की शक्ति है, एक वेद विज्ञान शक्ति और एक वैराग्य शक्ति। वैराग्य मतलब वहाँ पर उसके ये पूरा सब विरक्त हुआ ऐसा नहीं, लेकिन भीतर से अरुचि हुई है इंद्रियों के विषयों के प्रति या असंयम के प्रति, जो हिंसा है उसके प्रति उसकी अरुचि हुई है, तो इसलिए वह श्रद्धान करता है, तो वह अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो ये चतुर्थ गुणस्थान का स्वरूप बताया है। तो चतुर्थ गुणस्थान का स्वरूप हमने किस लिए पढ़ा, दूसरे का चौथा गुणस्थान है कि नहीं देखने के लिए, तो हमारे सब शास्त्रों का पढ़ना दूसरों की परीक्षा करने के लिए होता है, देखो उसमें गुण आया कि नहीं है, उसमें है कि नहीं है, वो ज्ञानी है कि नहीं, उसने अनुभव किया कि नहीं किया, अपने को अपना वो थर्मामीटर अपने को लगाना है कि मुझे मेरे जीवन में चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अपन शास्त्र से उसका लक्षण पहचान करके वो लक्षण अपने में है कि नहीं है वो देखना है। तो क्या बताएं इसमें कि जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा हुआ तत्व है उसका वह श्रद्धान करता है, और यहाँ पर कर्णानियों के हिसाब से ज्यादा लक्षण दिया जाता है, क्योंकि ये कर्णानियों का ग्रंथ है, तो कर्म की जो अवस्थाएं है उसकी मुख्यता से वर्णन किया कि सात प्रकृतियों के उपशम से, सात प्रकृतियों के क्षय से, या सात प्रकृतियों के क्षोभशम से उसको तीन सम्यक्त्व में से कोई सम्यक्त्व होता है, तो वह सम्यक दृष्टि है। लेकिन जब द्रव्यानियों के ग्रंथ अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से भावों की मुख्यता से सम्यक्त्व का लक्षण दिया है, तत्व श्रद्धान आत्मरुचि परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान व सम्यक दर्शन है, तो वह सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो ये चौथा गुणस्थान अपने को प्राप्त होगा, तो हम मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, मतलब पाव रखा, मतलब ऐसा नहीं हो कि केवल हम निर्णय करते रहे, आपको कहीं पर जाना है, शिखर जी जाना है या और कहीं यात्रा पर जाना है, तो आपने क्या किया, सब मार्ग पहले जान लिया कि क्या मार्ग है, किस रूट से जाना है, और सब कुछ किया और बैठ गए घर में, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों क्यों आपने जानकारी ली उसकी, जाने के लिए कि ना, तो यदि खाली अपन मार्ग का जानकारी लेकर के घर में बैठेंगे तो उस
मार्ग से जाएंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं, तो स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे मोक्ष जाने के लिए हमने सब जानकारी ली है कि हमें मोक्ष मतलब सुख, हमें आनंद सुख प्राप्त करना है, तो उस आनंद सुख की प्राप्ति के लिए हमने मार्ग पूछा। सर्वार्थ सिद्धि में है ना कि कोसो आत्मन हितम, आत्मा का हित क्या है, तो मोक्ष हो, मोक्ष आत्मा का हित है, फिर मोक्ष क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है ये पूछा। और मार्ग पूछने पर महाचार्य ने बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान छात्रा ने मोक्ष मार्ग मार्ग पूछ लिया, और मार्ग पूछने के बाद चुप बैठ गए, जैसे वैसे रह गए, तो जा पाएंगे ही नहीं पाएंगे। वे सब जानकारी लेना है हमें उस मार्ग पर चलने के लिए, और उस मार्ग पर चल करके हमें वो स्थान प्राप्त करना है, उसके लिए हमने सब जानकारी ली है। तो चतुर्थ गुणस्थान का स्वरूप भी इसलिए समझना है कि इस भव में हम चौथे गुणस्थान को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सातवें गुणस्थान तक का मार्ग खुला हुआ है, आगे का मार्ग खुला नहीं है, वो कल खुलने वाला है। लेकिन आज सातवें गुणस्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, तो इतना मार्ग खुला है, तो हम क्यों नहीं चले उस मार्ग पर। अपन कहते हैं ना कि आगे की गाड़ी आगे का टिकट आगे होता है, लेकिन आज यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, तो उतना मार्ग आज अतिक्रमण कर ले अपन, तो फिर आगे जाना सरल हो जाएगा। तो इसलिए इस भव में हमें एक गुणस्थान प्राप्त हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि ये चतुर्थ गुणस्थान मेरे जीवन में कैसे आ जाए, और वह उसका लक्षण या उसका बार बार जिज्ञासा लेकर के उसका पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, तो अपने को चौथा गुणस्थान प्राप्त हो सकता है। अब आगे पांचवा गुणस्थान, फिर एक सीढ़ी चढ़ो, फिर और आगे बढ़ो, वहीं पर नहीं रुकना है, क्योंकि वहीं पर रुकेंगे तो आगे पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अब दूसरी सीढ़ी है। कौन सी दूसरी सीढ़ी है वो बता रहे हैं यहाँ पर, पंचम गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में भी पूर्ण विरक्त नहीं होता है, वो आंशिक रूप से विरक्त होता है ना, अभी वही बता रहे दे सके। फिर आगे सकल संयम, तो संपूर्ण इंद्रियों से और हिंसा से विरक्त होता है, नहीं हुआ है, मतलब नियम नहीं लेता है कोई भी, भले उसको जिनेंद्र भगवान का पक्ष आ गया है, उसको पाक्षी श्रावक कहते हैं, मतलब उसको ये पक्ष है कि ये जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो करना है, करने योग्य है, तो जैसे जो बातें रात्रि भोजन त्याग है उसका नियम नहीं है उसको, लेकिन वो रात्रि भोजन स्वच्छंदता से नहीं करेगा, या आलू प्याज ये नहीं खाना है, उसका नियम नहीं है उसको, कुछ भी प्रतिज्ञा नहीं करेगा, लेकिन ये उसके जीवन में नहीं भी होगा, क्योंकि उसको जिनेंद्र भगवान का पक्ष आ गया है। तो पानी छान के पीना, आलू प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं खाना, ये जो जैन धर्म में जान नाम से भी जैन है तो उसके ये लक्षण बताए हैं। निरतिचार उसमें अतिचार भी लगेगा, लेकिन ऐसे स्वच्छंदता नहीं होती उसके जीवन में। मान्यता में वो पर से विरक्त हुआ है ना, तो भाव विरक्ति तो हुई है, भाव विरक्ति भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन व्रत के परिणाम ही नहीं है उसके। लेकिन वो भिन्नता तो भेद ज्ञान से भिन्नता की पर और स्व का, तो वो मानसिक, वो अध्यात्म भाषा में उसको वैराग्य कहते हैं। अच्छा। लेकिन जो यहाँ पर नियम पूर्वक जो प्रतिज्ञा लेना है कि मैं इस स्थावर जीव की हिंसा का त्याग करता हूँ, या मैं मुख प्रतिमा धारण करता हूँ, इस प्रकार की प्रतिज्ञा उसके जीवन में एक भी व्रत नहीं होता है। अब जैसे स्वर्ग के देव है, कभी भी वो कुछ भी पाप नहीं करते, मतलब ये हिंसा वगैरह, फिर भी उनके यहाँ नियम नहीं है, वो द्रव्य संयम हुआ ना। हाँ, द्रव्य संयम नहीं, भाव संयम भी नहीं, जहाँ द्रव्य संयम है मतलब भाव संयम है वहाँ द्रव्य संयम होता है, लेकिन यहाँ पर भाव भी नहीं और द्रव्य भी नहीं। नियम के बिना तो वो सदाचार में आएगा ना, न्याय युक्त सदाचार में, सदाचार आता है, नीति न्याय से न्याय उपार्जित धन कमाता है। नियम क्या
वो अभ्यास रूप से कर सकता है लेकिन वो नियम नहीं ले पाता है। अभ्यास रूप वो करता है चतुर्थ गुणस्थान करते हुए। सभी गुणस्थानों के असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। ऐसे वो पहले अपन मिथ्यात्वों के भी बताए पांच भेद है लेकिन पांच ही उपलक्षणात्मक है। ऐसे मिथ्यात्वों के भी कितने प्रकार होंगे असंख्यात लोग प्रमाण उसके भेद है। चतुर्थ गुण स्थान में भी जो जीव है सबकी विशुद्धि समान नहीं होगी, कम ज्यादा होगी, और एक ही जीव के भी नाना समयों में कम ज्यादा होते हैं कुछ विशुद्ध, तो उसके भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। पंचम गुण स्थान लेंगे उसके भी असंख्यात लोग प्रमाण की विशुद्धि स्थान है उसके, तो अलग अलग है। ऐसे सामान्य रूप से जो सब में लक्षण घटित होता है वो बताते हैं। उन्होंने प्रश्न किया रमेश कि भाव से तो है तो प्रत्याख्यान कशाय गई नहीं है इसलिए भाव से है ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते क्योंकि भाव भी नहीं है दोनों नहीं। भाव होता तो वो द्रव्य धारण करता ना वो। हाँ भावनाएं होती है उत्पन्न कि लेना चाहिए मतलब लेना है वगैरह से तो लेकिन ले नहीं पाता है वो। समय सार में जो जितेंद्रियपना कहा है ना सम्यक दृष्टि तो किस अपेक्षा से कहा? वो तो फिर विज्ञान की दृष्टि से कहा है ना सर, दर्शन होने का अभाव करने की अपेक्षा से बताए वो बात आई है कि उसके अभिप्राय में जो इंद्रिय भावेंद्रिय द्रव्येंद्रिय और उसके विषय है उन तीनों को भी वो पर जान करके उससे भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है इसलिए वो जितेंद्रिय है। ऐसे वहाँ पर भेद विज्ञान की दृष्टि से कहा है लेकिन चारित्र में उसके वो इंद्र संयम नहीं है। अब आगे पंचम गुण स्थान का लक्षण बताते हैं। पंचम खाणु दया दो संयम संयम भाव को संयम भाव को पूर्ण जो संयम है मतलब महाव्रतादि रूप परिणाम है उसको न होती वह संयम भाव नहीं होता है। नवरिंतु परंतु विशेषता यह है कि थोव वदो होती पूर्णता व्रत धारण नहीं करता है, पूर्णता पाप का त्याग नहीं करता है लेकिन किंचित पाप का वह त्याग करता है। तो नवरिम थोव थोव मतलब स्तोक, स्तोक मतलब कुछ अंशिक रूप से वह व्रत को धारण करता है। प्लस स्थावर जीव की हिंसा तो करता है लेकिन त्रस जीव की हिंसा से विरत होता है कि मैं त्रस जीव का घात नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस जीव का घात नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा वह लेता है। तो त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का उसने त्याग किया है तो वह स्तोक व्रत धारण किया उसने। तो इस प्रकार वो पंचमो देशवतो होति वो पंचम गुणस्थानवर्ती देशवृत्ति होता है। तो प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ ही क्या है? त्याग। और अप्रत्याख्यान अ मतलब किंचित त्याग, अप्रत्याख्यान का अर्थ ही देश संयम है। अ मतलब अ का अर्थ दो होता है, नहीं भी होता है अ का अर्थ किंचित भी होता है। तो अप्रत्याख्यान का अर्थ देश संयम मतलब किंचित त्याग और उस पर आवरण करने वाली कषाय उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यान आवरण कषाय। तो जब तक अप्रत्याख्यान आवरण का उदय है निमित्त रूप से तो तब तक वह व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं या व्रत नहीं धारण करता है। और जैसे व्रत धारण करने के उसके भाव हुए तो वहां पर अप्रत्याख्यान आवरण कर्म का क्या हो गया है? उदय का अभाव हुआ है। और लेकिन प्रत्याख्यान आवरण के उदय का उदय है इसलिए वो सकल संयम नहीं धारण कर सकता है, उसको मुनि बनो ऐसा कहा तो मुनि ले व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं। तो वह
देह संयमी है, तो उसको पांच पंचम गुण स्थान वर्ती देह संयमी कहते हैं। संकल्प की हिंसा का त्याग होता है अभी के संकल्प की हिंसा का त्याग होता है वो मुख्यतः द्रव्य संयम की हो गई पंचम में आने के लिए, भाव से भी संयम हो गए ना उसके, केवल बाहर से हिंसा का त्याग करता है ऐसा नहीं, उसके भाव ही नहीं होते उस द्रव्य को मारने के। हाँ, और भाव में भी वो बाहर जीवों के भाव बचाने की उनके भाव लेते हैं, लेकिन वो आत्मा की अंतर्मुखता का भी कुछ विषय बन जाता है वहाँ से। हाँ, वो भी शुद्धि बढ़ती ना उसकी, मतलब जितना वह विरत होता है तो इधर उसके विषयों से विरत हुआ या हिंसादि से विरत हुआ उतने उसके परिणामों की भी शुद्धता बढ़ती है, अंतर्मुखता भी बढ़ती है उसकी, वैराग्य भी बढ़ता है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक पांचवा गुण स्थान है, तो वृत्ति संज्ञा है ना वहां से लेकर के, तो विशुद्धि तो है ही अधिक, क्योंकि चौथे गुण स्थान वर्ती की जो सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि होगी उससे भी पंचम गुण स्थान वर्ती की जगण विशुद्धि जो है वो अनंत गुणी है, क्योंकि वहां पर जब कर्णानयोग की भाषा में जब बताते हैं कि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है उसका जो उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, उल्टा इधर से लगाना पड़ेगा, वो जो सबसे पंचम गुण स्थान वर्ती का जो जगण स्थिति बंध है उससे भी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा वो अनंत गुणा होगा, असंख्यात गुणा होगा, अनंत गुणा है असंख्यात गुणा, और अनुभाग होता है वो अनंत गुणा होता है, अनुभाग का सब अनंत में आता है, स्थिति का असंख्यात गुणा होता है। तो मतलब ये फर्क किस कारण से हुआ, क्योंकि वहां पर वो परिणामों की संक्लेशता विशुद्धता से हुआ, बस सबसे जगह भी विशुद्ध होगी पंचम गुण स्थान वर्ती की तो भी वो चौथे गुण स्थान वर्ती से अनंत गुणी होगी विशुद्धि, तो इसलिए उसको स्थिति बंध कम होता है पंचम गुण स्थान वर्ती को, और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को ज्यादा होता है, ऐसे बहुत सारी बातों से वो समझ में आता है, दोनों के परिणामों में बहुत अंतर है ना वहां पर, समय तो दोनों गुण स्थानों में है, लेकिन यह जो विशेषता ये वो चारित्र के निमित्त से आई है, चारित्र का उसको सूक्ष्म हुआ है, तो ऐसा लेना चाहिए कि जो भाव विशुद्धि ज्यादा हुई हाँ। इसीलिए अभी उनको ये व्रत लेने का मन होता है कि मैं दूसरे जीवों की हिंसा, तो मूल कारण वही है ना कि उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ी है, इस कारण से वो उससे व्रतादिक लेने के भाव हुए हैं या व्रतादिक धारण करता है, परिणामों की विशुद्धि है ही। कल भी बताया था ना कि चौथा गुण स्थान वर्ती वो ध्यान में बैठा है, पंचम गुण स्थान वर्ती विषय भोग रहे हैं फिर भी उसके निर्जरा जाता है पंचम गुण स्थान वर्ती, वैसे भी राग द्वेष कम होते हैं तो ही बाहर से, और पंचम गुण स्थान से शुभ लेशा ही है अशुभ लेशा नहीं है, चौथे गुण स्थान तक छह लेशा होती है लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती की जो लेशा है वो अशुभ लेशा नहीं होती है, शुभ लेशा ही होती है, फिर पद्म शुक्ल कृष्ण नील कापूत नहीं होती है। शरीर आदि के प्रति राग वगैरह ज्यादा होते तभी व्रत आदि धारण करने की इच्छा नहीं होती हाँ। जो कर रहा है इसका मतलब उसके शरीर आदि के प्रति राग कम हो गया, कभी हुआ है यथा यथा समय आते तथा तथा हाँ, जैसे जैसे अपने में लीन होता जाता है वैसे वैसे विषयों की रुचि हटती जाती है, जैसे जैसे विषयों की रुचि हटते वैसे वैसे अपने में लीन होता जाता है, ये दोनों का बिना भाव संबंध है वहाँ पर, ज्ञान और वैराग्य शक्ति बढ़ेगी तो ये गुण स्थान बढ़ गया ना वहाँ पर। उसके एक मंद दशाएं वगैरह है उस अपेक्षा से वहां पर उसका ये होता है, लेकिन सम्यक तो होने में तो वहां पर मदद किसकी है, मतलब एक आपको बाहर का माहौल मिल गया लेकिन सम्यक तो का जो पुरुषार्थ होगा तो अंतरंग पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा ना, बाह्य पुरुषार्थ ये अपने व्रत धारण किए या ये किए तो उससे उल्टा कभी कभी हो जाता है, व्रत धारण किया तो मैं धार्मिक हो गया मैं व्रतिक हो गया ऐसा मान करके
पुनः वो पुरुषार्थ से वंचित भी रह सकता है क्योंकि उसी को वो धर्म मान लेते हैं। मैंने किया तो मैंने धर्म किया, अब मुझे क्या करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कभी हो सकता है। तो व्रत धारण करके भी ये समझना है कि मुझे सम्यक तो के लिए पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, तो अंतरंग पुरुषार्थ उसको करना पड़ेगा, तो ही वो सम्यक की प्राप्ति उसको होगी। पापाश्रव कम नहीं होगा उसको, मतलब पहले गुण स्थान में है तो सब प्रकृति उनका बंद उसको हो सकते हैं। संवर निर्जरा चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होगी, अपने यहाँ विस्तार से ज्यादा नहीं बता रहे हैं, लेकिन चौथा गुण स्थान हुआ तो कितने प्रॉफिट हो गए एक साथ। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में गया है जीव, समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो 41 प्रकृतियों का, 41 समझो ऐसे मनुष्य त्रिजी की अपेक्षा से तो 47 प्रकृतियों का आश्रय मिट गया उसका, 47 प्रकृतियों का संवर हो गया। नर गति संबंधी, तिरंजी गति संबंधी और मनुष्य गति संबंधी, तीनों गति संबंधी प्रकृतियों को नहीं बांधता है जीव, उतने प्रकृतियों का एक साथ संवर हो गया। तो एक इंद्रिय नहीं होगा, तिरंजा गति में नहीं जाएगा, मनुष्य गति में नहीं जाएगा, नर गति में नहीं जाएगा। तो इन सभी जितनी प्रकृतियां है, पहले गुण स्थान में 16 की उच्छुति होती है, दूसरे में 25 की होती है, तीसरे में कुछ एक मिश्र प्रकृति बंधन की उच्छुति नहीं है, और यदि मनुष्य तिर्यंज है तो दूसरे गुण स्थान में 31 प्रकृतियां और पहले गुण स्थान की 16, 47 प्रकृतियां हो गई। तो 47 प्रकृति का एक साथ संवर हो जाता है, मतलब उसके आश्रव का द्वार बंद हो जाता है, तो उतने प्रकृतियों का संवर हुआ, और संवर पूर्वक क्या करता है उसकी निर्जरा करता है। तो बंध विच्छुत्ति जो कर्मकांड वगैरह में बताइए वो संवर का ही एक तरह से प्रकरण है। मतलब जो हम नहीं चाहते कि हमें ये नहीं होना चाहिए, तो एक सम्यक तो प्राप्त करो ना, आप एक इंद्र होंगे ना, आप नपुंसक होंगे ना, आप स्त्री होंगे ना, मतलब एक दरिद्रपना होगा सब इसमें। रत्नगर शावकाचार्य में कितने श्लोक बताए ना सम्यक तो क्या नहीं होगा, नहीं जाता है, तो ये सब लाभ है। स्थिति बंध घटता है, अंत कोड़ा कोड़े सागर से ज्यादा स्थिति बंध नहीं करेगा, अनुभाग बंध घटता है, द्विस्थानी होता है, ऐसे बहुत सारे लाभ है। और सबसे ज्यादा कि अपने को जो सुख चाहते थे वो सुख मिलता है वहां पर, जब देवता समय क्या मिलता है, जो आत्मिक सुख सच्चा सुख उसको प्राप्त करने की एक ललक थी, तो उसको ऐसा लगता है कि बस अभी मुझे मुक्ति मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। मुक्ति किम तेन हस्तगा, मुक्ति उसके हाथ में आ गई है। चतुर्थ गुण स्थान होती को ऐसा लगता है कि मुक्ति मेरे, अब मुझे मोक्ष ही है। जब आत्मानुभव करते तो ऐसा लगता है कि मोक्ष ही में है, मैं हूँ। इसलिए वो देशनाचार्य की टीका में जो समय सर में गाता ही है, जहाँ पर उस जीव उसका उपयोग रहता है वहीं पर तथ्य मुख और संसार है। संसार और मोक्ष कहाँ पर, यही पर है। जीव में उपयोग है तो मोक्ष है, और अजीव में उपयोग है तो संसार है। ऐसे गाता ही है, जीवे व अजीवे व, वो गाथा भूल गई में, तो जब ते वो जो हो, मतलब उसका उपयोग जहाँ पर भी उपयुक्त है उसी अपेक्षा से उसका क्या है, मोक्ष है और संसार है। तो इसलिए वो अनुभव ये सब सुनते खाली हैं, उसकी महिमा खाली सुनते हैं, लेकिन वो मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि ये संभव पुरुषार्थ है तो मैं क्यों नहीं करता पुरुषार्थ, और मुझे क्यों नहीं मिलती ये चीज। संसार में देखो कुछ प्राप्त करने के लिए अंदर में जिज्ञासा होती है तो प्राप्त किए बिना नहीं रहते, और यहाँ संतुष्ट हो जाते, बस हमने इतना कर लिया, इतना स्वाध्याय किया है, इतना ये सब सत्संगति की है, सत्संगति में हमेशा रहते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो वहाँ एक अंदर से अपना पुरुषार्थ करने का जो ये है प्रैक्टिकल रूप में, वो अंदर से बढ़ना चाहिए पुरुषार्थ और करना चाहिए पुरुषार्थ। जब तक नहीं मिलती चीज तब तक शांत नहीं बैठना है, और यहाँ पर मिलने के बाद भी शांत नहीं बैठना है, क्योंकि धन कमाने के लिए जितना पुरुषार्थ उतना उसके संरक्षण के लिए करना पड़ता है, उसके उसके संवर्धन के लिए करना पड़ता है,
कि उनकी धन कमाया लेकिन चोरी हो गई तो सम्यक दर्शन की भी चोरी होती है ना। सम्यक दर्शन को लूटने के लिए भी सब चोर बैठे हुए इधर, क्योंकि अभिक्षा ही सम्यक तो नहीं है, तो वापिस दर्शन मोने का उदय आएगा और हमारा सम्यक दर्शन रूपी रत्न लुट लेगा। इसलिए उसके लिए बहुत जागरूक, कमाने से भी ज्यादा उसकी जागरूकता संरक्षण के लिए करनी पड़ती है। जितना पुरुषार्थ कमाने के लिए उतना पुरुषार्थ संरक्षण के लिए और उसके संवर्धन के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर यही बता रहे कि पंचम गुणस्थान, ये सब अपने शक्य बातें बता रहे। शास्त्र कैसे होते हैं, शक्य अनुष्ठान वाले होते हैं, अशक्य अनुष्ठान वाले नहीं होते हैं। अशक्य और क्या बोलते हैं, आता है ना दो तीन प्रकार के शास्त्र में बताए कि शक्य अनुष्ठान और वापस आएगा तो बताएंगे कि मतलब जो भी बातें इसमें बताई गई है वो करने कर सकते हैं, हम उसको करने में समर्थ है, वही बातें इसमें बताई गई है, दूसरी बातें नहीं बताई गई है। और ये अनुभव की बात है ना, जिन्होंने किया है उन्होंने ये बताया है, तो ये पंचम गुण स्थान अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्रत धारण करने चाहिए। और व्रत धारण बंधन नहीं है, उससे तो अपनी इतनी विकल्पों की निवृत्ति है एक तरह से, व्रत धारण करना मतलब। वैसे अभी आपने व्रत लिया, आपके सब पूरा आपको क्या हो गया, अभी खाने का विकल्प ही नहीं, कहीं जाना है। फिर वो पहले हम जाते थे प्रवास में तो डिब्बा भरने का विकल्प रहता था, क्या क्या बनाना क्या क्या ले जाना, अब कुछ खाना ही नहीं है तो क्या विकल्प है ले जाने का, बहुत सारे विकल्प निवृत्त हो जाते हैं। बहुत सारा अपने को समय भी मिलता है अपने साधना के लिए, तो अपने साधना के लिए व्रत उपयोगी ही होते हैं, सहायक ही होते हैं, उससे अपनी साधना बढ़ती ही है। व्रती बन करके साधना करो और अव्रती रह करके साधना करो, उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि प्रत्याख्यान के उदय से संयम भाव नहीं होता है वहां पर पंचम गुण स्थान में, लेकिन कुछ व्रत मतलब स्तोक व्रत होता है, इसलिए वो पंचम देश गुण स्थान वर्ती देश व्रती होता है। क्यों नहीं लेते फिर, क्यों डर रहे हैं व्रत धारण करने से? यदि अपने को प्रॉफिट मिल रहा है तो आप छोड़ते क्या उसको? आवश्यकता है ना, फिर लेने की आवश्यकता क्या है? नहीं तो फिर अपने को पंचम गुण स्थान चाहिए, कर्म निर्जरा चाहिए, इसलिए लेना चाहिए। यदि कर्म निर्जरा नहीं करने तो मत लो, हम क्यों करते मना नहीं होगी, तत्काल विशुद्धि नहीं होगी, वो निर्जरा नहीं होगी, जो फल प्राप्त होना है वो नहीं होगा। मैंने कहा आप अभ्यास करेंगे, लेकिन जो चाहिए वो पंचम गुण स्थान के योग्य यदि भाव हुए तो ही वो उतने संवर बढ़ जाएगा और 10 प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। चौथे में 47 का हो गया, पांचवे में 57 और हो जाएंगे, 57 नहीं 4 ही बढ़ेंगे, क्योंकि वो 6 तो अपने पहले लिए, तो 41 और 10 बढ़ा तो 51 हो जाएंगे, और यहाँ 47 बढ़ेंगे तो 4 ही प्रकृतियों का संवर बढ़ जाएंगे, अप्रत्यक्ष नाम कषाय का संवर बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये अपन एक मान्यता करके बैठते कि अपने को व्रत लेना नहीं है, खाली पालन करना है, लेकिन व्रत ले हमारे खुद पे ऐसा करते कहते थे जब मिलते ना, वो भी कभी प्रतिमा धारण नहीं की उन्होंने, वो बोलते थे कि हम मुनि बनेंगे एक साथ अब ये व्रत नहीं धारण करेंगे, इस भाव में नहीं हम अगले भाव में लेंगे, मतलब ये सब अपना बहाना है एक तरह से। अभ्यंतर वासना पड़ी हुई है, हाँ वासना पड़ी, तो बोले नहीं देता ये सब, मतलब क्या है मतलब शरीर के प्रति अभी मोह छूटा नहीं है, राग छूटा नहीं है कि शरीर में कुछ रोग हो जाए तो हमें दवाई खानी पड़ती है, शरीर में अमुक हो जाए, आप इतना दृढ़ बनो तो आपने को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, दृढ़ता अपनी कम है उसमें संयम, इसलिए हम नहीं ले पाते हैं। कुछ भी हो जाए, हो ज्यादा होकर के क्या होना है, शरीर छूटना ही एक दिन, नहीं दवाई लेंगे तो छूट जाएगा शरीर, और प्रासुक औषधि अपन ले भी सकते हैं। तो इसलिए
सब ये छोड़ करके मन के क्या मन में जो अपने उसके प्रति एक भाव बना रखा है कि मुझे नहीं लेना है व्रत, वो छोड़ करके मुझे व्रत लेना है, आज नहीं कल मुझे लेना ही है, इस प्रकार के अंदर भाव बनाओ, भाव समझो तो अपने आप वो पर्याय प्राप्त होती है, भावना से वो फल प्राप्त होता है, इसलिए भावना महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह आपने बताया था कि हमको इस जीवन में सम्यक प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, अभी जैसे दो जीव है, दोनों जीव सम्यक प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक सावध अवस्था में रहता है, एक नियम आदि जो क्षुल्लक होता है, दोनों को इस भाव में सम्यक हुआ है, आगे के भाव में पहले संभावना क्षुल्लक की हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है नियम, उसका कुछ नियम नहीं कि इसको पहले होगा इसको नहीं होगा, वो सम्यक तो का पुरुषार्थ अलग है और ये फिर व्रत जो अपन बाह्य धारण करते हैं वो बस अलग है। तो अभी अभी पता है दीदी आपने आपने दीदी आपने पंचम गुस्थान है जो देश में थे उसमें आपने बताया कि वो संकल्प करता है हिंसा किया था, उस संकल्प तो त्रस्त स्थावर दोनों का करता है ना, संकल्प संकल्प ही हिंसा का त्याग करता है, त्रस्त जीवों की संकल्प ही हिंसा का त्याग करता है, मतलब मैं त्रस्त जीवों को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, हाँ उसमें आरंभ में हिंसा उद्योगी हिंसा क्योंकि श्रावक अवस्था में तो सब करना पड़ता है इसलिए उसका त्याग नहीं कर पाता है, लेकिन है तो वो कर नहीं सकता मगर भाव तो रखता है ना, वो तो भाव तो मनी पे बनने की भाव है उसके, लेकिन वो नहीं ले पाता है वो व्रत। आगे चलते अपन आगे और एक गाथा में पंचमूल स्थान का स्वरूप बता रहे हैं, ये क्या कंचे एक भावना और एक भाव, हाँ। ये दोनों अलग चीज है, हाँ। नीचे की भूमिका में भावना हो सकती है, हाँ। भाव उस गुण स्थान में ही सकता है, उसमें भी भावना है एक सामान्य शब्द है, हाँ। मतलब मुझे लेना है ये भावना करना, हाँ। और वो प्रत्यक्ष लेने के भाव करना, हाँ, वो और उसमें और उस लेने के बाद भी उसकी भावना भी चलती है ना कि मुझे इसका पालन अच्छी तरह से करना है, उसको निरतिचार पालन करना है, निर्दोष पालन करना है, या अन्य भी सभी भावनाएं उसके रहती हैं। भावना शब्द एक व्यापक है, मतलब उसके अनेक अर्थ होते हैं भावना शब्द के, लौकिक में ऐसा ही कहते हैं जो नहीं है जैसे शुद्ध आत्म भावना लोग, हाँ। कहते हैं ना उसमें कि भावना करता अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे नाचार्य की टीका में कितने बार भावना और अनुभव ये दोनों एक अर्थवाचक दिए हैं, चतुर्थ गुण स्थान होते शुद्धात्म की भावना कर सकता है अनुभव नहीं कर सकता है, ऐसे शब्दों में पुनः ये किया जाता है काट छाट की जाती है, तो वहाँ पर भावना और अनुभव एक ही शब्द दिया है, आत्म भावना भावता जीवन आत्मा की भावना करते हैं, और ये कुछ पर्याय में प्राप्त करने की भी भावना रहती है जीव की, ये मुझे प्राप्त करना है वो भावना कही जाती है, तो मुनिपण की भावना अपन करते कि वो दिन कब पाऊं घर छोड़ जाऊं या अपूरा अवसर है वो क्या रे आवसी, ये सब भावना है मुनिपण की भावना है, लेकिन वैसे शुद्धात्मा की भावना नहीं, वो शुद्धात्मा की भावना के बारे में आता है कि शुद्धात्मा की भावना करता है चतुर्थ गुण स्थान तो उसका अर्थ करते कि अनुभव नहीं करता है वो केवल भावना करता है, तो भावना करते हैं मतलब क्या करते हैं यहाँ पर कि मैं शुद्धात्मा हूँ इसका वो श्रद्धा करके वैसा अनुभव कर रहा है ना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा कह रहे हैं तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा निरंतर है, वो शुद्ध बनने के बाद शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध आत्मा जो है वो द्रव्य दृष्टि से ही उसको शुद्ध आत्मा कहा है, तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा वो हमेशा है, इसलिए हमेशा उसकी भावना कर सकता है, मतलब उस रूप अनुभव करना ये वहां पर भावना है। जो तस वहाँ विरदो अविरदो तह यथा वर वहादो एक समयं जीवो विरदा विरदो जिनेकमयी जो तस वहाँ
विशेषण दिया है देसाई उनके लिए, जिने कमई उसकी जिनेन्द्र भगवान में ही एक मति होती है, एक मतलब अद्वितीय मति, मतलब जिनेन्द्र भगवान ही सच्चे है, उन्होंने कहा हुआ जो तत्व है वही सही है, इदम एव ईदृशम एव, इस प्रकार उसमें ही वह एक मति करता है, इसलिए वो जिने कमई मतलब वो सम्य दृष्टि है, जब पंचम गुण स्थान पर केवल देश संयम धारण किया है इसलिए वह सम्यक्त्व का अभाव नहीं है, वहां पर भी सम्यक्त्व है, ये इस विशेषण से दिखाना है। तो जिने कमई मतलब जिनेन्द्र भगवान में ही जिसकी अद्वितीय श्रद्धा है, एक मति है, ऐसा वह जीव तस वहाव विरदो, एक ही समय में, एक समय में विरदा विरदो, एक ही समय में वो विरद भी है और अविरद भी है। क्यों विरत है? तो त्रस पद से विरत है, त्रस वध नहीं करता है बुद्धिपूर्वक मतलब संकल्प पूर्वक, इसलिए वह त्रस वध से विरत, तो उसको विरत विशेषण त्रस जीवों की अपेक्षा है, और अविरत विशेषण स्थावर जीवों की अपेक्षा, स्थावर वध से वह विरत नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार तीसरे गुणस्थान में श्रद्धा मिश्र है, उस प्रकार यह संयम मिश्र है, संयम और असंयम दोनों मिश्र रूप एक परिणाम है पंचम गुणस्थान का, ऐसे वो अलग अलग परिणाम नहीं, एक ही परिणाम में दोनों की मिश्रता है, कि उसमें त्रसवध से तो वध करने की तो उसके उसने त्याग किया है, तो त्रसवध से संयम है और स्थावर वध की अपेक्षा से असंयम है, इस प्रकार एक समय में यह वीरता विरत कहा जाता है यह जीव। तो इस प्रकार देश संयम पंचम गुणस्थान वर्ती होता है, तिर्यंच और मनुष्य ऐसे दो ही पर्याय है कि जिसमें देह संयम धारण किया जा सकता है। यहाँ से हम देवगति में जाएंगे तो सागरों वर्ष तक पुनः संयम धारण करने का चांस नहीं मिलेगा, और यहाँ कुछ आप थोड़ा काल है, कितना है मनुष्य भोग का काल, अभी तो अपना कितना है 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ज्यादा नहीं है, इतने साल हम जीने वाले हैं, और उतने साल तक हम यदि संयम में रहेंगे तो कितने कर्म की निर्जरा करेंगे, एक कर्म की निर्जरा करने का सौभाग्य पुनः देवगति में मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमारी जितनी अल्प आयु है उस आयु में हमें ये देह संयम धारण करके अपना भव कर्म निर्जरा के लिए लगाना चाहिए। साची बात है लेकिन साची करवे पड़े करना चाहिए, खाली बोलने से नहीं होगा, पुरुषार्थ यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली अपना एक मन बना, मानसिक यदि अपना भाव बनते हैं, मन हमारा प्रबल बनता है तो सब कार्य सहज होता है, मान्यता मतलब मानसिक विकल्प जो है हमारे वही बाधक बनते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता है, मुझे कैसे निभाया निभेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, आप उसमें बोलते ना एक बार कुएं में छलांग लगाओ तो तैरना आ जाता है, तैरना कभी छलांग ही नहीं लगाएंगे तो तैरना कभी भी नहीं आएगा, इसलिए एक बार छलांग लगा के देखो कि आप पालन कर सकते कि नहीं कर सकते, करना क्या है अपनी इच्छाओं को सीमित करना है और कुछ नहीं करना है, जितने हम इच्छाओं को सीमित करेंगे तो सहज शक्य है, और ये संभव कितने तो तिर्यंच असंख्यात देश संयमी बताए हैं, तिर्यंचों की संख्या देखेंगे तो उसमें पांचवें गुणस्थान में असंख्यात तिर्यंच देश संयमी है, और मनुष्यों की 13 करोड़ संख्या बताई है कि 13 करोड़ मनुष्य जो है वो देश संयमी हो सकते हैं, तो उसमें 13 करोड़ में अपना नंबर लगाना है, पूरे भारत वर्ष में समझो कि हम क्रिकेटर है तो 10 लोगों में भी हमारा अपना नाम आना चाहिए ऐसा अपने को लगता है, अब 13 करोड़ में अपना नाम आने में क्या बाधा है, उसमें आ सकते हैं, तो अपने लिए और नाम किसी को दिखाना नहीं है, अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कर्म की निर्जरा के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें ये करना है। तो क्या बता रहे थे, वीरता विरत एक गुणस्थान का स्वरूप यहाँ पर बताया। अब आगे छठे गुणस्थान का लक्षण आगे बताते हैं, आज अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रवीण भाई बैठे हैं तो उन्होंने पहले मेरे से एक किया है, वायदा किया है कि आप ध्यान लेंगे तो मैं बैठूंगा, इसलिए थोड़ा आज अपन ध्यान ज्यादा लेते हैं,
क्योंकि चौथा पांचवा गुणस्थान प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? गुणस्थान तो पड़ा लेकिन गुणस्थान प्राप्त करना है ना, तो गुणस्थान की प्राप्ति के लिए अंतरंग पुरुषार्थ वहां पर कारण है। तो अंतरंग पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे हमें आत्मा का अनुभव होगा, उस आत्मा के अनुभव के मार्ग क्या है, तो उस ध्यान ही उसका मार्ग है। क्योंकि द्रव्य संग्रह में आचार्य ने बताया कि दुविघम पे मोह कहे हो जाने पाओ न दिजम मुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता जोयम जानम समपस्व। तो इसलिए क्या कर कि प्रयत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास कर। हमें चौथा गुणस्थान प्रकट करना है, किस किस को नहीं करना है इतना बताना। किसको नहीं चाहिए चौथा गुणस्थान? सबको चाहिए ना। तो सबको चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा। और वो पुरुषार्थ उस दिशा में होना चाहिए, सही पुरुषार्थ से सही कार्य की उपलब्धि होती है। तो पुरुषार्थ क्या है? तो ध्यान ये पुरुषार्थ। ध्यान मतलब अपने उपयोग की अपने आत्मा में एकाग्रता करना। ध्यान तो अनेक प्रकार का होता है, व्यवहार ध्यान भी अनेक प्रकार का बताया है, लेकिन यहाँ पर जो निश्चय ध्यान है अपने आत्मा का, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानना, जिसको आप भैया जी बोलते आत्मानुसंधान करो। आत्मानुसंधान करना मतलब क्या करना है? अपने उपयोग को अपने में जोड़ना, ये तो आत्मानुसंधान है। तो किस तरह से करना चाहिए? तो उसके लिए अपने को एक बाहर भी माहौल बनाना है और भीतर भी अपने विचार को जागरूक करना है। वहां पर जैसे गाड़ी स्टार्ट करते ना, उसके लिए जैसे चाबी लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी अपने ज्ञान की चाबी घुमानी पड़ेगी उसकी, तो उसके बिना वो अंदर नहीं जाएगी भीतर। तो वो कैसे विचार करना और कैसे चिंतन करना और चिंतन के माध्यम से अपने उपयोग को भीतर लगाना, वो पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा सबको। क्योंकि हम खाना बनाएंगे खिलाएंगे, लेकिन खाना किसको पड़ेगा? स्वयं को खाना पड़ेगा, निगलना तो पड़ेगा ना। सब काम करके देंगे, खाना बनाएंगे हम, आपको परोसेंगे, नहीं आता आपको हाथ से खाना तो आपके मुंह में भी डाल देंगे। लेकिन निकलना किसको पड़ेगा? स्वयं को। ऐसे यहाँ पर आगम का अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अनुभव स्वयं को करना पड़ेगा। वो अनुभव दूसरा कोई नहीं करा सकता है अपना अनुभव। तो अनुभव आप करने का पुरुषार्थ करना, लेकिन कैसे उसका विचार करना और उसको एक भीतर ले जाने के लिए ये सब बताया जाता है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं समझना कि हम बता रहे हैं आपको ध्यान हो गया, ये तो हमने वाक्य बोले, वो वाक्य केवल आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है लक्ष्य जो है उसको भीतर खींच ले जाएंगे, लेकिन आप और दूसरा विचार करते रहेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि शब्द हम सुनते हैं, हमारे विकल्प दूसरी जगह है। आपको कोई घर का काम करना है, फैक्ट्री का काम करना है, तो उधर विकल्प चले जाते हैं। तो वो पुरुषार्थ आपको करना है कि अपने उपयोग को अंदर भीतर समेटना है, उस वस्तु को पकड़ने का, उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ आपको स्वयं को करना पड़ेगा। उसके लिए केवल अपन ये बाह्य साधन रूप से इसका उपयोग करते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, अपने उपयोग को समेटने का पुरुषार्थ कीजिए। मुझे अन्य कुछ नहीं जानना है, मुझे अपने को ही जानना है, ये तय कीजिए। अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस 20 मिनट में 15 मिनट में केवल अपने को जानने का ही पुरुषार्थ करना है, अन्य सब भूल जाओ और यहाँ पर जिसको जानना है वह चीज भी अपने पास है, जिसके द्वारा जानना है वह उपयोग भी अपने पास है। तो उस साधन का उस विषय में प्रयोग कीजिए, अपने उपयोग को सीमित कीजिए। ना मुझे कुछ सुनना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना खाना है, ना पीना है, केवल अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं को जानने के लिए ही करना है।
जिस प्रकार की सूचनाएं दी जाएगी वैसा ही भाव भाषण करने का, अंदर फीलिंग करने का पुरुषार्थ करना है। तो चलिए जानिए, मैं जीव ही हूँ, मैं का तो अनुभव हम निरंतर कर रहे हैं। ये मैपना अन्य पर्यायों में पुद्गल में स्थापित न करके अंदर जो चैतन्य वस्तु पड़ी है, त्रिकाल विद्यमान है, उस वस्तु में मैपना कीजिए। देखिए भीतर उपयोग के द्वारा देखना मतलब जानना, ज्ञान चल रहा है, उपयोग चल रहा है, ये उपयोग कहाँ से आ रहा है, खोजिए भीतर। फीलिंग हो रही है संपूर्ण शरीर में, अनुभव हो रहा है, जहां भी उपयोग लगाओ वहां पर अनुभव हो रहा है। पाँव के अंगूठे से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर में अपना उपयोग ले जाइए, जहां पर भी उपयोग रखेंगे वहां पर अनुभव हो रहा है। सब ज्ञान में आ रहा है, ये अनुभव करना किसका काम है? तो ये अनुभवात्मक वस्तु भीतर है, ये अनुभवात्मक वस्तु ही मैं हूं, ऐसा भाव भाषण कीजिए। शरीर तो इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसमें मैपना नहीं है। ये पुद्गल परमाणु स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव भाषण कीजिए। उस शरीर में से मैपना निकाल दीजिए। ये तो स्थूल भेद विज्ञान है, ये तो सहज समझ में आ रहा है कि शरीर का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस शरीर के भीतर चले जाइए, यहाँ पर हमने आगम में पढ़ा है कि कर्म परमाणु इस आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर है। ये कर्म परमाणु भी पौद्गलिक है, ये मैं नहीं हूँ। कर्म नहीं दिख रहे हैं, कर्म का उदय उसका फल समझ में आ रहा है, ये कर्म का फल भी मैं नहीं हूँ। यहाँ पर प्रति समय औपाधिक भाव हो रहे हैं, राग द्वेष मोह ये भी समझ में आ रहे हैं, तो ये रागादि भाव में से भी मैं पढ़ा निकाल दीजिए, क्योंकि ये मेरी चीज नहीं है। रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये नया आगंतुक भाव मैं नहीं हूँ, मैं स्थायी भाव स्वरूप हूँ। यह जो चैतन्य है वो स्थायी चीज है, अनादिकाल से यह चैतन्य है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इन तीन चीजों के अलावा चैतन्य अस्तित्व जो है यही मेरा अस्तित्व है, ऐसा फीलिंग कीजिए भीतर। उस चैतन्य को जानिए, चैतन्य अनुभव में आ रहा है। देखिए चैतन्य अनुभव योग्य वस्तु है, अनुभव में आ रहा है, निरंतर अनुभव कर रहे हैं,
यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला चैतन्य ही है, अचेतन को तो अनुभव है ही नहीं, वे चेतन वस्तु है, ये अपना अस्तित्व है। प्रत्यारोपी छन्नी के द्वारा बुद्धि में ये भेद विज्ञान करना है, वस्तु तो अलग अलग ही है, बुद्धि में ही इसको एक माना है, अब बुद्धि में ये पुरुषार्थ कीजिए, सबको अपने अपने खाते में डाल दीजिए, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, रागादि भाव रागादि भाव में है, यह मैं चैतन्य आत्मा इन तीनों से भी एक शुद्ध जीव नामक वस्तु हूँ। अपने अस्तित्व का भान कीजिए, ये चैतन्य अनुभव में आ रहा है ना, यही तो मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं। मेरे आत्मा के प्रदेश संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, इसलिए तो संपूर्ण शरीर में अनुभव हो रहा है, ये असंख्यात प्रदेश अनुभवात्मक एक अखंड वस्तु है, इसका स्वानुभव प्रत्यक्ष से निर्णय कीजिए। अपनी निजी वस्तु को खोजिए, खोजोगे तो पाओगे, ज्ञान के द्वारा है, ज्ञान में वस्तु को जानना है। चैतन्य इंद्रिय गोचर नहीं है, स्वानुभव गम्य ही है, निरंतर हम चैतन्य का अनुभव कर रहे हैं, ये चैतन्य ही तो मैं हूँ, बस इस चैतन्य में केवल हम पना कीजिए। जो कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो कुछ आवाज आ रही है, इसको कौन जान रहा है? ये जानने वाला तो मैं ही हूँ, जिसमें जाना जा रहा है ऐसे ज्ञान में वस्तु में हूँ, मैं केवल एक सूक्ष्म ज्ञान पर्याय भी नहीं है, ये अखंड ज्ञानमय वस्तु में है। उपयोग को अपने निज वस्तु में एकाग्र कीजिए, मुझे अन्य कुछ नहीं जानना है, बस मुझे अपने को ही जानना है, अपने में ही रमना है, अपने में ही जमना है।
अन्य मुझ मेरा कुछ काम है नहीं हूँ, मात्र जानना मेरा काम, शुद्ध आत्मा है मेरा नाम। मैं शुद्ध केवल चोखा आत्मा ही हूँ, यहाँ मिली हुई अनेक वस्तुओं में से अपनी वस्तु को अलग कीजिए और उसी में मैं पुनः स्थापित कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप स्वरूप चतुष्टय स्वरूप जानिए मैं कितना, जितना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव इतना ही मैं हूँ। मेरा स्वद्रव्य चेतनमय, मेरा स्वक्षेत्र असंख्यात चेतनमय प्रदेश, ये मेरा स्वक्षेत्र। मेरा स्वकाल, मैं चेतनमय पर्याय में ही स्थित हूँ, ये मेरा स्वकाल है। अनादि काल से अनंत काल तक एक चेतनमय ही हूँ। मैं चेतनमय भाव स्वरूप हूँ। मैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक चैतन्य वस्तु हूँ। चैतन्य वस्तु का अस्तित्व है, चैतन्य वस्तु कोई कल्पना नहीं, वास्तविक वस्तु है। तो जो है उसको जानने में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। जानिए तो मैं हूँ, मैं चैतन्य मैं ही हूँ। ये चैतन्य अनुभव में आ रहा है, शक्ति व्याप्त सर्वस्व, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व, सारो जीवयानयम्। ये जो चैतन्य अनुभव में आ रहा है यही तो मैं हूँ, अन्य कुछ नहीं। जो स्वयं अनुभवशील है उसका अनुभव करना क्या कठिन है। चित स्वभावाय भावाय मन समय साराय स्वानुभूत्याचकासते। ये मेरा समय सार शुद्ध आत्मा स्वानुभव से प्रकाशमान है। प्रकाशमान वस्तु को जानने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसी स्वानुभव के द्वारा यह गम्य है, अनुभव लिए हैं तो अनुभव कीजिए।
सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सहजात्म स्वरूप परमात्म स्वरूप स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप आनंद रस कंद स्वरूप ये इस शरीर को पड़ोसी बनाकर अनुभवने का प्रयास कीजिए। शरीर पड़ोसी है, मैं उसके पास रहने वाला एक जीव नामक वस्तु विशेष हूँ। शरीर के पास ही अपना चैतन्य सदन है, इस चैतन्य सदन में जाइए, वहां पर निवास कीजिए। पड़ोसी के घर में नहीं रहना है। चैतन्य चैतन्य वासरयोरी ये चैतन्य ही मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव Thank you.
ना।